खबर बरेली जनपद से। जामेरगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव बलुपुरा में ट्रांसफार्मर फूकने के कारण चार दिनों से पूरे गांव की बिजली गुल रहने के कारण अंधेरा छाया हुआ है। गांव में पावर लोड अधिक होने पर विभाग के द्वारा कम पावर के ट्रांसफार्मर लगाए व आए दिन उसके फूकने से हो रही परेशानी से बौखलाए गाँव की महिला पुरुषों ने मीरगंज सब विद्युत स्टेशन पर हंगामा किया और उसके बाद एसटीओ को अधिक पावर के ट्रांसफार्मर लगाने हेतु अधीक्षण अभियंता को संबोधित ज्ञापन सौंपा। गांव बलुपुरा के प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गांव में बिजली लोड ज्यादा है और महीने में 4-6 बार ट्रांसफार्मर फूकना लाजमी है, लेकिन बिजली विभाग एक बार में ही अधिक पावर के ट्रांसफार्मर लगाने की नहीं सोच रहा। इसकी वजह से गांव में आए दिन अंधेरा छाया रहता है। यहां तक कि मोबाइल चार्ज करने को कस्बे में जाना पड़ता है और रात को गर्मी की वजह से परिवार सो नहीं पाते। दोपहर में गाँव बलुपुरा के सैकड़ों लोग बिजली घर पर पहुंचे और चार दिनों पूर्व फूके ट्रांसफार्मर को अभी तक नहीं बदलने के कारण जमकर खंडो हंगामा काटा गया। इसके बाद अपनी मांग का ज्ञापन एसडीओ हरिओम पवार को सौंपा, जहां जल्द ही ट्रांसफार्मर लगवाने के आश्वासन पर ग्रामीण अपने गांव लौट गए। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों में अरुण कुमार, विजेंद्र पाल, हिमांशु, रमेश, अजीत कंगवार, इंद्रपाल, सुखलाल, दुर्गेश कुमार, अजीत कंगवार, सुखलाल चंद्रभान, सोहित कुमार, रमेश समेत तमाम लोग प्रमुख मौजूद रहे। तो उसको इंक्वायरी कौन करेगा? उसके इंक्वायरी और कौन करेगा? 100 KV में काम नहीं चल पा रहा किसी भी कीमत पे। 100 KV में किसी भी कीमत पे रेशा रखा हुआ है। आप 100 के दो करवा दो, 63 ना 250 का सीधे करवाओ। 100 आज जो बलुपुरा के संबंध में कुछ उपभोक्ता आए, उनकी जो समस्या लोड के संबंध में है, और हम पूर्ण विवरण सहित आपसे निवेदन करेंगे कि इसमें ये इनकी समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा और आप यहाँ किस पद पर हैं, तो अपना परिचय देते हुए। और ये बलुपुरा का मामला है, बलुपुरा का प्रपोजल 100 से 250 के लिए भेजा गया। आज पुनः इन लोगों के सामने इनका क्षमता वृद्धि का एस्टिमेट और पत्र के साथ ऐसे प्रेषित किया गया है। पूर्व में भी इसका 100 से 250 के लिए भेजा गया। तो ये समस्या इनकी कब तक संभावित समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। अगर आप कहने लगे यार टाइम बाउंड बता दीजिए, तो मैं टाइम बाउंड नहीं बता देता हूँ। मेरा काम है कोशिश करना और आशा है कि इनका जल्दी ही समस्या का समाधान। बलुपुरा तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि 8 दिन ट्रांसफार्मर, 3rd दिन 14 दिन ट्रांसफार्मर फूक जाता है। कई बार यहाँ लेकर रूम में एप्लीकेशन दे दी एसडीओ साहब को, जेई साहब को, इसकी क्षमता बढ़ाई है। बिजली विभाग तो समय समय पर उसको सुधार करता होगा नहीं? अभी तक कोई सुधार नहीं है। तो 100 का वो 100 का ही है, 63 का 63 का ही है। 1500 रुपए चढ़ाई उतराई के दें ट्रांसफार्मर, 10 आदमी दें उन्हें लेबर खींचने, ट्रक्सा खींचने के लिए, ये कौन सा तरीका है? कौन सी सरकार के नियम है? 100 वाट का लोड उठाना पड़ रहा है, 100 वाट का ट्रांसफार्मर लोड उठाना पड़ रहा है। कई बार अप्लाई कर दिया कि 250 वाट का हमारी क्षमता बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या आज जो साहब कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है, जय साहब कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है। लिख कर पहले लिखित रूप में एप्लीकेशन दे दी, एक बार ना कम 8-7 बार एप्लीकेशन दे दी है। एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर नहीं रुक रहे हैं, बच्चे कच्चे मर रहे हैं, बुखार आ रहे हैं गर्मी से, लोग बात कर रहे हैं कोरोना हो गया इन्हें, और हमें जाके झूठ सच्ची वीडियो बना रहे हैं, भगवा दिया में घुस के वीडियो बना रहे हैं, भगवा दिया क्या जाना है? और आपके में कोई वीडियो बनाने पहुंचेगा तो लट से खबर लेंगे। कहाँ की? क्या नाम है आपका? सुग्राम।
अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? ये समस्या यही है कि लाइट नहीं मिल रही है, 8 ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं। कब से लाइट नहीं मिल रही है? 4 महीने से लाइट नहीं मिली है। तो तहसील के आला अधिकारियों से आपने समस्या बोला है क्या? नाम ने ये कहा कि रखवा देंगे ट्रांसफार्मर, हमारे हाथ में नहीं है। ये भी यही बोल रहे हैं कि हमारे